दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की तरफ से सादरा नॉर्थ जोन पर अपनी जायज मांगों को लेकर विराट प्रदर्शन और डीसी का पुतला दहन किया गया। मोदी साहब कहते हैं ना कि हम सैलरी काट लेंगे और ऑर्डर भी निकाल दिया गया। मैं कहती हूँ मोदी जी, आपने 4,000 रुपए इन कर्मचारियों के कम कर दिए। भूखा तो कोई नहीं मरा, रोकी सूखी रोटी खा के मांग के सबने पेट भरा। अबे तू काट ले एक महीने की तनख्वाह, भूखी नंगी सरकार के नेता तू अपना पेट भर, इन कर्मचारी फिर भी भूखा नहीं मरेंगे। तेरा मुर्दा बाप के नारे सबकी लगाते हैं, तेरे मुर्दा बाप के नारे लगाए हैं। स्कूल के हमारे देश के बच्चों का नाश कर रहा है, उनकी फोटो में लगा रहा, बच्चे झाड़ू लगाएंगे। मोदी झाड़ू लगाता फिर रहा है, उसके विधायक झाड़ू लगा रहे हैं। भाई झाड़ू लगाना क्या होता है मोदी नहीं समझता, उल्टी झाड़ू पकड़ के 4 पत्ते बखेर दिया, झाड़ू लगा ले, इसको झाड़ू लगाने कहते। मोदी साहब एक बात बताना चाहती, बस आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच जाए तो मोदी जी कान खोल के सुन लो, झाड़ू जबानों से नहीं चलती, बैनरों में फोटो लगाने से झाड़ू नहीं चलती। ये पेट के आते खिंच जाती है, पेट दुखता है या बाजू थक जाती है जब जाके सफाई होती है। अगर मैदान में उतरना है ना, हमारे सामने आ जाओ और सबसे झाड़ू लगाओ, जितने तुम्हारे ये विधायक काउंसलर सारे बैठे हैं। और बात इनके विधायक काउंसलर, उनकी पेंशन लागू कर रखी है, शर्म नहीं आती, डूब के मर जाए ऐसी सरकार। हमें शर्म आती है, हम उस देश की बेटी है कि ये देश नेता ही हमारा अच्छा नहीं। हमने बहुत चुनाव कर दिया और हमने बहुत श्रद्धा भाव से वोट दी थी कि मोदी जी आएंगे। सब कहते हैं मोदी जी बड़े गरीब परिवार से था, चाय व्यक्ति थे, हमने सुनी थी, इसीलिए हमने वोट दी कि चलो जी मोदी साहब गरीब परिवार से हमारी गरीबी सुनेंगे। सफाई कर्मचारी महिलाओं के साथ सफाई कर्मचारी मौजूद रहे, महिलाओं ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सफाई कर्मचारी भारी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सादरा नॉर्थ जोन के डीसी का पुतला भी दहन कर रहे हैं। लगातार 12 सितंबर से राजधानी में सफाई कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते अब सफाई कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल करने का ऐलान किया है। इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह, क्या वो दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हों या वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हों, और ये हमारे एमसीडी के नुमाइंदे हैं, हमारे डीसी साहब हैं। हम इनको भी अपना ज्ञापन देना है, अपना रोष प्रकट करना है कि हमारी हड़ताल चल रही है। हम ये नहीं चाहते जो दिल्ली में हमारे परिवार के लोग रहते हैं, दिल्ली में हमारे सब हम सब दिल्ली में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, किसी को हमारी तरफ से कोई नुकसान पहुंचे, हम उनसे भी इस आपके टीवी के माध्यम से क्षमा मांगना चाहते हैं। ये हमारी गलती नहीं है, गलती निगम प्रशासन की है और दोनों सरकारों की है, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे। कोई नहीं चाहता अपनी बहन बेटियों को अपने परिवार को सड़क पर लेकर धक्के खाने की, किसी को शौक नहीं है। सर क्या मांगे आपकी अब तक? जो सबसे अहम मांग हमारी ये है कि जो अभी तक 20-22 साल हो गए, अभी तक पक्का नहीं किया गया है, जो हमारे बहन भाई सेवा मुक्त हो गए, रिटायर हो गए, बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा डिपार्टमेंट ने पहली बार सुना है। इतनी उम्र मेरी हो गई कि जिसमें रिटायर सेवा मुक्त कर्मचारी को भी एक छुट्टी के चेक देने के बाद या एक गुलदस्ता देने के बाद उसको पूछा नहीं जाता, उसकी पेंशन नहीं बनती, तनख्वाह उसकी 50,000 है, उसके बाद वो जीरो हो जाता है, उसके बच्चे क्या खाएंगे, बीमारी जब इतनी बीमारियों से लड़के वो पहले आते, हमारे लोग रिटायर ही नहीं होते, हमारे लोगों का मरने का रेशा बहुत ज़्यादा है, जो कोई खुद किस्मत आदमी रिटायर हो गया उसके पैसे दे रहे हैं लोग, तो इसलिए हम लोग सड़कों पर हैं। हमारी मांग कम से कम आज लगभग काम हड़ताल को 14 दिन आज हमारा लगभग, और मांग डिमांड तो 20-25 वर्ष से चलती आ रही है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो निगम में बैठे अधिकारी, निगम में बैठे मेयर महापौर, जो हमारे क्षेत्र के लोकसभा के सदस्य MP मनोज तिवारी और महेश गिरी जी है, वो हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वाल्मीकि समाज, दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारी आज सड़कों पर हैं, सारी माताएं बहनें, बड़े ही हमारे लिए दुख की बात है कि हम अपनी माता और बहनों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पेट की लड़ाई है, जो हमारी भूख इस तरह बढ़ गई है, मतलब भूखे मर रहे हैं हमारे कर्मचारी, जो उनका हक है, जो 20-25 साल से उनका हक है, वो सरकार दे नहीं पा रहे हैं, चाहे इसमें केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या बीजेपी में बैठी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार हो। कई बार आपको हड़ताल करनी पड़ती है, आश्वासन आपको मिल जाता है, आपको कहीं ना कहीं मतलब किसी को पक्का नहीं किया जाता, सैलरी आपकी रोक दी जाती है, आपकी बार क्या मतलब ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे सभी सफाई कर्मचारी माता बहनों के लिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे निगम के आला अफसर
जो हॉल अफसर है वो काम करने को तैयार नहीं है। जो एक बार बताऊँ, मैं उसके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, जो कर्मचारी 22 साल में लगा था, वो उस समय जवान था, लेकिन आज वो बूढ़ा हो चुका है, वो उनके बच्चे छोटे थे, आज वो बच्चे जवान हो चुके हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी आज भी कच्चा ही है। हमारे सबसे पहले प्रतिबद्धता जो है वो है कि हमारे सभी कर्मचारी को कच्चे से पक्का किया जाए। ये प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी परमादरणीय श्री जगवान चरण जी, जो ने ये कर्मचारी पर पीड़ा उठाया मांग मनवाने के लिए, जब तक ये मांगे नहीं मनेगी तब तक ये पीड़ा जब तक ये चलता ही रहेगा। इसके लिए मैं अपनी जान करवाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए, 12 तारीख से आंदोलन चल रहा है, पिछले 20 सालों से सिर्फ आश्वासन मिलता आ रहा है, जिससे कर्मचारी और सब हम सभी बड़े दुखी हैं। ये सरकार जो भी बैठी है, ये सारी सरकार है, हमारी कोई सुनवाई करके राजी नहीं है। मोदी साहब एक बार स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, करोड़ों रुपए विज्ञापन में लगाते हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है, जो स्वच्छ भारत अभियान का पहला हिस्सा है वो भारत का सफाई कर्मचारी है, उनकी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसी कड़ी को लेकर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं तो आने वाली 3 तारीख को हम LG हाउस पर विराट प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल देंगे। अगर उसके बावजूद भी बात नहीं बनती है तो हमारा अगला कदम होगा आने वाली 5 तारीख को धर्म परिवर्तन करेंगे हम। धर्म परिवर्तन की बात जो सामने आई है, ये धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ रहा, क्या वजह? हमारी मजबूरी है, क्योंकि भारत के दलितों का खुला शोषण हो रहा है, हमारी बहन बेटियों का रेप होता है, लेकिन कोई भी गूंगी बहरी सरकार दलितों का कोई नहीं सुनती है। मनुवादी लोग हमारा शोषण करने पर आमादा है, जैसे संविधान में छेड़छाड़ करना, ये सब दलितों का शोषण है, इसलिए मजबूरी है। हमने मुगलों के शासक के समय में हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ हमने, क्योंकि उन्होंने हमें सजा के रूप में कहा कि आप हमारा मेला सर पर रखोगे, हमने स्वीकार किया, रखेंगे, लेकिन भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए, हमारा दलित, भारत का दलित आज भी गुलाम है। बहुत बढ़िया। सन 15 से धरना प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, झूठे आश्वासन हमें कई दफे दे चुके हैं, अब हमने जो ये धरना प्रदर्शन कराया, हड़ताल करी है, आखिरी बार अंतिम बार, इतने हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इतने हम पीछे नहीं हटेंगे। 22 साल के हमारे कर्मचारी जो हो गए वो पक्के नहीं हुए, इतने वो पक्के नहीं होंगे, हमारा पैसा नहीं मिलेगा, जो पिछली राशि पड़ी हुई है वो हमें चाहिए, 16,000 करोड़ रुपया हमारा बन रहा है मजदूरों का, जो अब तक नहीं दे रहे, इतने हमारा पैसा नहीं मिलेगा, इतने हमारे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे, इतने हम कामों पर नहीं जाएंगे, हमारा पैसा दे दो, पक्के कर दो, हम अपना कामों पर चले जाएंगे। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सफाई कर्मचारी गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर इसलिए प्रदर्शन कर रहा है कि उसकी आने वाली पीढ़ी इन हालातों में ना आ जाए। क्या कहना था इस सफाई कर्मचारी का, सुनाते हैं इसी की जुबानी। क्या आने वाले हमारे समाज के और हमारे बच्चों का ये हाल ना हो जाए, ये जो मटकी है ना, ये किसी और कुछ नहीं है, सिर्फ थूक के लिए, जैसे इन लोगों ने हमारे पहले समाज में करा था, क्या हमारे आगे मटकी डाल दी, हमारी जमीन पर इनका थूक ना पड़े, और ये पीछे इसलिए लगा देना झाड़ के हमारे पैरों की जो वो पैर है वो किसी के पैरों पे ना पड़े, और हम जिधर से हवा चलती है हम उस तरफ को जाने के लिए भी हमें रोका गया था, और आज भी इनका मोदी जी का और केजरीवाल जी का इस समाज का ये है कि हमारे साथ यही करना चाहते हैं, ऐसा आगे हम होने नहीं देंगे, चाहे हम कुछ भी करें। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। तो सुना आपने किस तरह से ये सफाई कर्मचारी अपना रोष व्यक्त कर रहा है, लेकिन दोनों ही सरकार इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यही होगा कि सरकार कब तक इन सफाई कर्मचारियों की मांगे मानती है, या फिर ये सफाई कर्मचारी यूं ही राजधानी में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।